तो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में एक लकड़ी का ड्रोन का फ्रेम बनाने वाले हैं, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप भी एक अच्छा फ्रेम बना सकते हैं अपने ड्रोन के लिए। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप इस तरह से अपने अनुसार कितने इंच का प्रोपेलर के लिए बनाना चाह रहे हो, तो उस प्रकार से अपने मेजरमेंट के अनुसार उतना स्पेस दे करके, और इस प्रकार से लकड़ी का पहले फ्रेम को मेजर करेंगे और टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद में हमें चार आर्म तैयार करने हैं, तो इस प्रकार से चार आर्म बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको हमें क्रॉस करना है। क्रॉस बनाने के लिए हमें इसके यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और फिर इतने ही हाइट का इसके नीचे वाले पर भी हाइट। अब हम दोनों पॉइंट को मिला करके और फिर इसे कट करेंगे, और इसमें भी दोनों पॉइंट को मिला करके और एक सीधी रेखा खींच लेंगे। अब हम इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से कट करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक क्रॉस आर्म बनेगा। और फिर मोटर लगाने के लिए इस प्रकार से होल कर लेंगे। होल करने के बाद बीच में जहाँ पे मेरा मेन कंट्रोलर रहेगा, बैटरी रहेगा, तो उसके लिए इस प्रकार से एक ये प्लाईवुड में ही आता है, तो इसे मेजर करके, एक पहले से मेरे पास था, तो यहाँ यहाँ पे फोर आर्म्स के लिए यहाँ पे होल करेंगे। तो अब हम चार होल कर चुके हैं इसमें। तो चलिए इस प्रकार से इन आर्म्स को एक नट के द्वारा इस प्रकार से कसना होगा हमें, यानी कि, और फिर यहाँ पे बीच में मेरा फ्लाइट कंट्रोलर का बेस एक स्क्रू द्वारा कस लेंगे। इसके बाद हम इसे टाइट करेंगे दोनों आर्म्स में। यहाँ पे ऊपर वाला आर्म्स मेरा तैयार हो चुका है, और फिर यहाँ दो और आर्म्स को इस प्रकार के नट के द्वारा आप कस सकते हैं, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी ये मेरा बहुत ही हेवी फ्रेम तैयार हो रहा है गाइस। इस प्रकार से यहाँ पे चिपी दे करके और इसके नट को कसेंगे ऊपर से। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं, मोटर लगाने के बाद प्रोपेलर इतना तक ही रहेगा, जो कि कोई भी वायर से टच नहीं होगा। तो ये एल्युमिनियम का इस प्रकार से सीट को होल करके बनाए हुए हैं, और ये मेरा चारों आर्म्स का लेंथ सेम होना चाहिए। तो चलिए इन एल्युमिनियम के जो सीट्स में तैयार किए हुए हैं मोटर को कसने के लिए, तो इसे चारों नट के द्वारा मोटर को पहले इस एल्युमिनियम सीट्स में कस लेते हैं। और ध्यान देना होगा कि जो स्क्रू कसेंगे उसका हेड एकदम चपटा होना चाहिए, ताकि थोड़ा भी बाहर ना निकल सके। तो इस प्रकार से चारों मोटर को इसमें लगा चुके हैं। इसके बाद ड्रोन का लेग तैयार करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लकड़ी को काटते हैं फोर लेग के लिए। तो इस प्रकार से कट करने के बाद तो में इस प्रकार से चार चार आप लेग लेग इस बना प्रकार से सकते तैयार कर हैं, लेंगे, जो एक लकड़ी कि को आर्म रगड़ के मोटर के कट जस्ट करके। नीचे लगेगा। इसके बाद गई इसके बीचों बीच होल करेंगे। होल करने के बाद देख सकते हैं, इसके बीचों बीच होल किए हैं। होल करने के बाद जैसे कि मोटर यहाँ पे मेरा लगेगा, और मोटर के जस्ट बीचों बीच इस लेग को लगाएंगे, जो कि एक प्रकार से लैंडिंग गियर है ये। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कस लेना है, जिस प्रकार से मैंने इन चारों लेग्स में कस चुके हैं। इसके बाद जो ये मोटर लगाए थे इस एल्युमिनियम शीट पे, तो इस पे लगा लेंगे इस प्रकार से। तो गाइज आपको बता दूं कि इस प्रकार से मेरा देख सकते हैं एक वुडन फ्रेम तैयार हो चुका है ड्रोन। देख सकते हैं इस प्रकार से इसका लैंडिंग गियर सब मोटर के नीचे लगा दिए हैं। और फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये बैटरी स्टैंड बनाए हुए हैं इस प्रकार से।
इसको यहाँ पे स्क्रू और एक यहाँ पे स्क्रू और एक बीच में स्क्रू, तीन स्क्रू लगा करके और फिर इसके नीचे में ये वाला ये पट्टी लगा दिए हैं। गाइस इस प्रकार से अपना एक होममेड फ्रेम बना सकते हैं ड्रोन का, जो कि जो भी बिगनर लोग हैं सीखने के लिए है, तो ये गाइस बहुत ही हेवी एक फ्रेम बन चुका है ये मेरा, क्योंकि कहीं भी क्रैश होने से ये टूटेगा नहीं जल्दी। और एक इससे भी अच्छा फ्रेम बनाने वाले हैं, जो कि जो भी प्रोपेलर रहता है तो वो इस तरह से लुढ़कने के बाद टच ना हो, ताकि मोटर या फिर ये सी रुक करके मोटर खराब ना हो सके। तो इससे बड़ा भी एक लकड़ी का फ्रेम आपको बना करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर पे बिना, यदि आप खरीदना नहीं चाहते हो तो लकड़ी का पूरा टोटली एक्यूरेट आपको बनाना होगा, जिस प्रकार से स्केल द्वारा मेजर करके इस एंड टू एंड मेरा दोनों साइड से सेम बराबर होना चाहिए। चाहे आप अपने मर्जी से इसका ड्रोन बड़ा और या छोटा बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको प्रोपेलर लगा करके और यहीं पे टेस्ट करते हैं। जो ये मैंने इसमें यूज किए हुए हैं फैंटम का प्रोपेलर और मोटर DJI का 22-12, ये मोटर यूज किए हुए हैं इसमें 920 kV का। तो चलिए अब हम यहीं पे अभी अपने घर में ही इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये मेरा वुडन जो फ्रेम बनाए हैं तो ये अच्छी तरीके से वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो गाइस चलिए टेस्टिंग करते हैं।